खान चैंबर ऑफ कॉमर्स का खादों पर तहफात का इजहार सदर चैंबर ऑफ कॉमर्स का कहना था कि गंदम की फसल को उस वक्त खाद की जरूरत है गंदम को खाद ना मिली तो फिर एकड़ पैदावार इंतहाई कम हो जाएगी मजीद तफसी जानेंगे आसिम सदीक से। जी आसिम आगाह करें किसानों को जो खाद क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा है इस पर भी चैंबर ऑफ कॉमर्स को तहफात तो है खाद ना मिलने की वजह से किसानों को क्या नुकसान होगा और इससे इंडस्ट्री क्या मुतासर होगी जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा इशू है कि गंदम की बजाई हो गई है तो गंदम की बजाई के बाद उसको खाद की ज़रूरत होती है जिसके लिए खाद की अदम दस्तियाबी की वजह से लोग एहताज कर रहे हैं हमें बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आए हैं जो कि हमारे किसान भाई हैं उनके भी फोन आए हैं तो हमने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और आपकी तवस्त से भी हम ये गुजारिश करना चाह रहे हैं के हमारे जो मुतलक महकमे हैं और जो हमारे ये खाद की तरसील को यकीनी बनाएँ और हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट है ये आपको पता जरात से मुनसिक है अगर हमारी फसल अच्छी होती है तो हमारे कारोबार भी अच्छे होते हैं पिछले साल हमने बीस लाख टन तकरीबन गंदम अम्पोर्ट की है तो आप साहब लगाएं कि अगर यही इनको सब्सिडी दी जाए हमारी किसानों को तो हम अपने खुदकवील भी हो सकते हैं और अपना कीमती ज़र मुबादला भी हम बचा सकते हैं तो मैं फिर एक दफ़ा गुजारिश करूँगा हमारे जितने भी मुतलका महकमे हैं फौरी तौर पर और हंगामी बुनियादों पर खाद की तरसील को यकी बनाएँ बिल्कुल चैंबर ऑफ कामर्स की जानस पर खाद की तरसील को यकीनी बनाने का मुतालबा किया जा रहा है मकसद ये है कि इस वक्त गंदम की फसल को खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर बर वक्त खाद ना मिल सके तो पैदावार मुतासर होगी शुक्रिया आसम सभी अपडेट करने के लिए